क्या आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बाय करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इसका फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू इस वीडियो में। सो गाइस, ये है सीगेट का बैकअप प्लस स्लिम 2TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इसका 1TB ऑप्शन भी आपको मिलता है, 2TB ऑप्शन भी मिलता है, 4TB ऑप्शन भी मिलता है एंड 5TB ऑप्शन भी मिलता है। मैंने 2TB परचेस किया एंड ये मैंने सेल के टाइम परचेस किया, तो मुझे इसका प्राइस 5200 पड़ा। अब इसका फुल अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इसका रिव्यू भी करेंगे, इसका स्पीड कैसा है। सो गाइज, ये है सीगेट का बैकअप प्लस स्लिम 2TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो सबसे पहले इसका जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक रैप को हम लोग सबसे पहले हटा देते, रिमूव कर देते। उसके बाद देखिए, हमें कुछ इस टाइप का बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको लिखा है सबसे पहले सीगेट 2TB बैकअप प्लस स्लिम। ये जो है बैकअप प्लस स्लिम 2TB का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है सीगेट कंपनी का, एंड पोर्टेबल स्टोरेज बैकअप मेडीजी एंड ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया। एंड आप अगर साइड में देखें, यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें दिया गया एंड पीछे में यहाँ पे भी। इन सारी चीज़ को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सीधा अनबॉक्सिंग पे जाएंगे। एंड अगर यहाँ पे आप अगर इसका MRP देखें, तो यहाँ पे देखिए MRP लिखा हुआ है 7999, यानी कि 8000 रुपीज़ MRP लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको अच्छा से दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे MRP लिखा हुआ 8000 रुपीज़, बट मुझे ये पड़ा 5200 रुपीज़ में सेल में। तो मैंने ऑनलाइन मंगाया, सेल में मुझे 5200 रुपीज़ का पड़ा। अब इसे अनबॉक्स करते, इसको हटा दिया एंड इसके बाद इसको ओपन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है इस डब्बे को, एंड इस सारे पेपर वर्क को हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे भी कुछ चीज़ देखने को मिलता है, इन सब को भी हम साइड में रख देते हैं, इन सब का पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता हम। एंड देखिए, यहाँ पे हमें एक्चुअल जो हार्ड डिस्क है सीगेट का, ये हार्ड डिस्क देखने को मिलता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है 2TB का। तो इसे भी अब हम ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें इस साइड से ओपन करना पड़ेगा। जी हाँ, हमने इस साइड से ओपन, इसको ओपन करने के बाद ये हमारा हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क को बाद में ओपन करते हैं, सबसे पहले इसका केबल देख लेते हैं। यहाँ पे USB पोर्ट है एंड यहाँ पे हार्ड डिस्क में लगाने के लिए USB 3.0 एंड USB 2.0 सपोर्टेड है ये हार्ड डिस्क। अब इस हार्ड डिस्क को खोलते हैं, तो हार्ड डिस्क का खोलने पे सबसे पहला लुक जो है इसका, देखिए कुछ इस टाइप का आपको लुक देखने को मिलता है। तो आप अलग अलग कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये जो कलर ऑप्शन है, ब्लैक कलर मैंने मंगवाया, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगता है। यहाँ पे सीगेट का लोगो आपको देखने को मिलता है एंड इसका लुक काफ़ी बढ़िया लगता है। मिस देखिए, आपको कुछ इस टाइप का मेट फिनिश दिया गया, मिस थोड़ा थोड़ा लाइन लाइन टाइप का बहुत ही बढ़िया फिनिश दिया गया। एंड इस साइड में आपको केबल कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया। एंड भाई देखो, आप अगर इसको बात करें, काफ़ी ज़्यादा लाइट है, मीन्स आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 100 ग्राम ये हार्ड डिस्क होगा। एंड इसका आप अगर साइज़ देखें, काफ़ी छोटा साइज है, काफ़ी बढ़िया, मीन्स इतना सा मेरा हाथ में ये आ जा रहा है। तो ये था इस हार्ड डिस्क का छोटा सा अनबॉक्सिंग। एंड हाँ भाई, इसका साइज़ मुझे काफ़ी बढ़िया, काफ़ी कॉम्फर्टेबल लगा, इसमें हैंड में काफ़ी ईजिली आ जा रहा है एंड काफ़ी लाइट है। अब इसका रिव्यू करते हैं, सबसे पहले इसको लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं एंड इसका रीड एंड राइट स्पीड देखते हैं कितना स्पीड है इस 2TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का। तो मैंने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया एंड इसको सबसे पहले कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से। इस टाइप से हमें लगा लेना पड़ेगा, केबल को यहाँ पे इस टाइप से लगा लेना पड़ेगा एंड USB को हमें लैपटॉप से कनेक्ट करना है। तो USB को हम लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं एंड जैसे हमने USB को लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया, देखिए यहाँ पे ऐसा व्हाइट कलर का लाइट जलता है, तो इस टाइप का कुछ व्हाइट कलर का लाइट हमें ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है इस हार्ड डिस्क में। तो यहाँ पे हमें 1.81 TB देखने को मिलता है, तो 1.81 TB फ्री देखने को मिलता है। प्रॉपर्टीज़ में अगर हम यहाँ पे आपको दिखा देते, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो देखिए प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें तो यहाँ पे आपको 1.81 TB देखने को मिलता है एंड 29.1 MB यूज्ड है पहले से। अब हम इसका रीड एंड राइट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो रीड एंड राइट स्पीड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले इसे कॉपी करते हैं, इसमें कुछ कॉपी एंड यहाँ से उसमें कुछ पेस्ट करते हैं। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे लैपटॉप में SSD है, यानी कि मेरे लैपटॉप में SSD है एंड ये HDD है। तो इसमें देखते SSD से HDD कितना रीड एंड राइट स्पीड प्रोवाइड करता है। तो इसको मैं सेंड करता हूँ, सेंड टू बैकअप प्लस स्लिम। तो देखिए अब ये रीड हो रहा एंड यहाँ पे रीड स्पीड 137 MBPS मैक्सिमम दिया था एंड यहाँ पे वही 120 to 130 MBPS। अभी 130 मीन्स कुछ इस टाइप का आपको दिया जा रहा, 100 to 130 MBPS तक रीड स्पीड आपको देखने को मिल रहा। तो हमने तो रीड स्पीड देख लिया, अब राइट स्पीड देखते इसका क्या राइट स्पीड आता है। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब राइट स्पीड आपको लगभग 13 to 14 मैक्सिमम 20 25 30 MBPS 50 MBPS
एंड हाँ राइट स्पीड भी आपको 130 Mbps के आसपास मिल जा रहा है। तो रीड राइट दोनों का स्पीड अप्रॉक्स आपको 100 से ऊपर ही देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया मुझे लगा ये 2TB का सीगेट का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। सो गाइस ये था सीगेट का 2TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का क्विक रिव्यू, जिसमें ये हार्ड डिस्क काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया, इसका अनबॉक्सिंग भी मैंने आपको दिखाया एंड इसका रीड स्पीड राइट स्पीड भी काफ़ी बढ़िया, लगभग 100 to 130 MB/s इसका अप्रॉक्स रीड एंड राइट स्पीड दोनों ही दे रहा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड मैं अब अपना ओपिनियन बता दूँ, देखिए इस चीज़ में मुझे बस एक खराबी लगी कि इसमें केस नहीं दिया जा रहा, इसमें एक केस दे देता, हार्ड डिस्क केस दिया जाता इस हार्ड डिस्क के साथ तो काफ़ी बढ़िया रह जाता और भी अच्छा लगता। बट ऐसा अगर इस हार्ड डिस्क की बात करें, बाकी इसका रीड स्पीड राइट स्पीड काफ़ी बढ़िया है, 1.81 TB स्पेस दिया गया है 2TB का जो हार्ड डिस्क है उसमें। तो अब क्या ये हार्ड डिस्क आपको परचेस करना चाहिए? बिल्कुल भाई, मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ। चाहे इसका लुक की बात करें, इसका लुक जो डिज़ाइन है काफ़ी बढ़िया है, इसका कॉम्पेटिबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया, आप मीन्स काफ़ी लाइट वेट है एंड वन हैंड आप आराम से इसको पकड़ सकते हैं, तो इसको आप जरूर परचेस कर सकते हैं अगर आप एक हार्ड डिस्क परचेस करने की प्लानिंग करें तो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहीं से आप जाके परचेस कर सकते हैं, आपको 1TB, 2TB, 4TB एंड 5TB का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, ऐसे प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।